Good morning, class 4th. Today we are going to start chapter number 27th, letter making. यानी कि अब आपने क्या है, letters लिखने हैं दो. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि letters होते क्या हैं. ठीक है, so there are two types of letters होते हैं बेटा, informal letters and formal letters. Okay, so what, which are informal letters? Letters written to our family, relatives and friends. क्योंकि आप कोई भी letter लिख रहे हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लेटर आप लिख रहे हो वो इनफॉर्मल लेटर है या फिर फॉर्मल लेटर है. ठीक है, सो जो भी लेटर आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपनी फ्रेंड्स को भेजते हैं, लिखते हैं, वो सारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, लेटर्स रिटन टू ऑफिसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, द मैनेजर ऑफ अ बैंक एक्सेट्रा. और जो भी लेटर्स आप लिखते हैं ऑफिसेज को, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर के एडिटर हैं या फिर कोई बैंक के मैनेजर हैं, मतलब जब आप फॉर्मल अथॉरिटीज़ को कभी भी लेटर्स लिखते हैं तो वो सारे लेटर्स होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट, इनफॉर्मल लेटर इज़ अ मीन्स टू एक्सप्रेस आवर एक्सपीरियंसिस, फीलिंग्स ऑन आवर सक्सेस, ग्रैटिट्यूड फॉर अ गिफ्ट फ्रॉम अ लव्ड वन, एंड इवन टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर डियर वंस ऑन देयर सक्सेस व्हेन वी कैन नॉट बी प्रेजेंट विद देम इन पर्सन. सो ये जो इनफॉर्मल लेटर्स है आप क्यों लिखते हैं, सबसे पहले ये सोचिए. तो इनफॉर्मल लेटर्स आप इसलिए लिखते हैं कि ताकि आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आपके सक्सेस के ऊपर, कि आपने अगर कहीं पर आप फर्स्ट आए हैं, कोई आपको प्राइज़ मिला है या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, या फिर आपके किसी बहुत चाहने वाले ने आपको गिफ्ट सेंड किया है, तो आप उसके लिए थैंक यू लेटर कर सकते हैं. या फिर किसी अपने डियर वन को कंग्रेचुलेट करने के लिए, किसी की मैरिज हुई है या किसी को बहुत एक अच्छा इनाम मिला है तो उसके लिए आप उसको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं. कोई अपने एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आया है तो आप उसको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं उनके सक्सेस के लिए. कि और जब भी आप कहीं पर नहीं जा पाते हैं, कहीं पर आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो आप वहाँ पर उसको उसका रीज़न के साथ बताते हुए बधाई वगैरह भी दे सकते हैं. सो कोई भी जो लेटर है, इनफॉर्मल लेटर में 5 पार्ट्स होते हैं. हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर. ठीक है, सो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी लेटर किस तरीके से लिखते हैं. मैं तो ये दो लेटर अभी आपको करवा रही हूँ, इसके अलावा आप बहुत सारे लेटर्स अपने आप से लिख सकते हैं. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. सो द हेडिंग विच इंक्लूड्स योर हाउस एड्रेस, द टाउन और सिटी, पिन कोड, देन डेट. सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग में क्या आता है, और सबसे ये बात ध्यान में रखना कि आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स की जो हेडिंग्स हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में ये सब चीज़ें अलग होती हैं. ओके, सो हेडिंग में क्या आता है, आपका घर का एड्रेस. ठीक है, मतलब आप जहाँ, एक तो आपके घर का एड्रेस आ जाएगा, जहाँ आप रहते हैं वो आ जाएगा, साथ में पिन कोड आएगा, और फिर थर्ड लाइन में डेट आएगी. ठीक है, सेकेंड आपने क्या करना है, ग्रीटिंग्स, यानी कि माय डियर फ्रेंड या माय डियर फादर, माय रिस्पेक्टेड कोई है, आपकी मदर है, ऐसे लिख सकते हैं आप, तो ग्रीटिंग ज़रूर देने हैं आपने. फिर बॉडी, जो भी आपकी लेटर का कंटेंट हो जाता है, द बॉडी ऑफ द लेटर विच कंटेन्स आस्किंग अबाउट जनरल वेलबींग, योर थाट्स, आइडियाज़ एंड साइनिंग ऑफ रिस्पेक्टफुली एंड लविंगली. तो बॉडी में क्या क्या आ जाएगा, लेटर ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगा जो भी आप उसके बारे में जानना, मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं अपने बारे में, कि मैं कुशल मंगल हूँ, आगे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मतलब आई एम फाइन, यू आर ऑल्सो फाइन एंड ऑल दैट, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है. अपने थॉट्स को बताना, अपने आइडियाज़ को बताना, रिस्पेक्टफुली उन्हें साइन, मतलब उन्हें प्यार से कुछ कहना, ये सब चीज़ें बॉडी में आ जाती है. फिर क्लोजिंग, द क्लोजिंग विच लुक्स लाइक दिस, योर ट्रूली, योर फ्रेंडली, योर लविंग सन एंड ऑल दैट. इसी तरीके से, मतलब लास्ट में आप जब लिखते हैं ना, आपका प्यारा, योर ट्रूली, फ्रेंडली, ये सब चीज़ें आ जाती है. भी आपकी जो भी, आप अगर दादाजी को लिख रहे हैं तो ग्रैंड सन, योर्स ग्रैंड, योर लविंग ग्रैंड सन, या फिर योर लविंग डॉटर, इस तरीके से. ठीक है, तो लास्टली द सिग्नेचर विच इज़ हाउ यू साइन योर नेम. फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, दैट इज़ नॉन एज सिग्नेचर. ठीक है, सो बेटे ये पूरी वीडियोज़ आपने देखनी है, और मैं आपको लेटर अब दिखाती हूँ. यस, देयर इज़ अ लेटर, इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर सिस्टर्स मैरिज, कि अपनी सिस्टर की मैरिज में आप बुलाना चाहते हैं किसी फ्रेंड को, और उसको
आप इनवाइट करना चाहते हैं. ओके, सो C24 चिनॉट कॉलोनी, ये एड्रेस हो गया. सेकेंड लाइन में पिन कोड देना है रोहतक 124001 पिन कोड. डेट 3 दिसंबर 2020. ओके, फिर ये है आपका ग्रीटिंग्स. डियर मन्नत, मतलब जो आपका जो आपकी फ्रेंड है उसका नाम यहाँ लिखना है आपने. फिर ये आपकी बॉडी है लेटर की. आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 20th December. कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सिस्टर की मैरिज जो है, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है 20 दिसंबर के लिए. द सेरेमनी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ कम्युनिटी हॉल नियर आवर हाउस. और सेरेमनी मतलब जो फंक्शन है वो कहाँ होना है, हमारे घर के पास एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, वहाँ ये फंक्शन होना है. यू मस्ट कम 2 days इन एडवांस फॉर संगीत एंड मेहंदी. यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं वो, आपने भी तुमने पहले आना है, 2 दिन पहले आना है, संगीत अटेंड करना है, मेहंदी अटेंड करनी है, रस्में मतलब शादी की साथ में लेनी है आपने. और वी विल हैव फन टुगेदर, और हम साथ में बहुत मज़े करेंगे, बहुत हमें अच्छा लगेगा. द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम आर गिवन इन द एनक्लोज्ड कार्ड. फिर आप कार्ड भी साथ में भेजेंगे ना, ठीक है ना. सो कार्ड, जैसे आपको ही दूर है आपकी फ्रेंड तो आप कार्ड साथ में भेजते हैं, तो आप यह बता रहे हैं कि जो भी डिटेल्स हैं प्रोग्राम की, कि कहाँ होने वाला है और कितने बजे क्या क्या है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आपको कार्ड के अंदर लिखी हुई दिख जाएंगी. फिर आप उसके बाद वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ये लास्ट में हम कुछ ना कुछ ऐसे लिखते हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी या ऐसे कुछ भी, ठीक है. फिर ये लास्ट में क्या है, क्लोजिंग है, योर डियर फ्रेंड. ओके, क्योंकि आप फ्रेंड को लिख रहे हैं. और लास्ट में आपके सिग्नेचर्स, यानी कि नाम क्या है आपका, वो आप यहाँ पर लिख देंगे. तो ये आपका लेटर है, इसे आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखना भी है. कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब आप बड़े बच्चे हैं, देखकर भी आप लोग गलत लिखते हैं, ऐसे मत किया कीजिए. ओके, कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.